आज से पहले हिंदुस्तान की इस लेवल की धुलाई नहीं हुई होगी जो आज पाकिस्तान ने धुड़कर बनाई हिंदुस्तान की। आज हुआ कुछ यूं कि हिंदुस्तान ने टॉस जीतकर अपनी मौत को दावत दिया, उसके बाद पाकिस्तान ने ड्रोना खाब बनकर हिंदुस्तान की नींदें उड़ा दी। तारीख गवाह है, हिंदुस्तान जब भी पाकिस्तान से हारा है बुरी तरह से हारा है। वो कहते हैं ना कि ना इश्क में ना प्यार में जो मजा है हिंदुस्तान की हार में। इरफान पठान की जो आज जुड़कर बनाई है ना कामरान अकमल और शर्जील खान ने, यार कमाल कर दिया। इरफान पठान तुम्हारे संडे तक तो बात ही नहीं पहुंची, पाकिस्तान ने तो सैटरडे को ही तुम्हारा काम तमाम कर दिया। इरफान पठान को दिन में तारे दिखा दिए शर्जील खान ने, मतलब शर्जील खान ने 30 बॉलों पे 72 रन बनाए, कामरान अकमल 77 रन बना के जा रहा है। इरफान पठान तुम्हें तो नींद नहीं आएगी, इसलिए कहते हैं बड़ी बड़ी बातें नहीं किया करो। अबे T20 वर्ल्ड कप में जो टीम खेलने आई थी वो तुम्हारे बच्चों की टीम थी, हमारी असल टीम ने हमेशा तुम्हें हराया है। फिर चाहे वो 2014 का वर्ल्ड कप हो जिसमें शाहिद अफरीदी ने अश्विन को 2 बॉलों पे 2 छक्के मारकर जिताए थे, चाहे चैंपियन ट्रॉफी हो 2017 की जो सरफराज अहमद की क्यादत में पाकिस्तान जीता था, चाहे 2006 का अंडर-19 वर्ल्ड कप हो जो पाकिस्तान ने तुम्हें हराया था, तो तुम्हें हिंदुस्तान कैसा दिया। अच्छा कुछ लोग अभी शाहिद अफरीदी पर तंकीद करेंगे कि तुम्हारे शाहिद अफरीदी ने क्या किया, वो तो 0 पर आउट हो गया। तो मैं पहले ही बोल रहा हूं कि भाई शाहिद अफरीदी 0 बनाकर आउट हो या 50 रन बनाए, शाहिद अफरीदी क्रिकेट का हीरो था, है और रहेगा। और अफरीदी का 0 पर आउट होना भी हमारी बचपन की यादों में से एक है जो आज फिर से ताजा हो गई। आज पाकिस्तान के लेजेंड खिलाड़ियों ने हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को हरा दिया। यार ये वाली टीम चाहिए हमें वापिस, ये वाली टीम अगर वापिस आ जाए ना खुदा की कसम मजा आ जाएगा।